Good morning, students how are you all i hope you all are fine now take out your pulse book this is your pulse book okay now students open your book and take out the page number is 152 take out the page number 152 today we will do the exercise 8.2 okay so look at the calendar and answer the question means we have to look this calendar according to this calendar we have to answer the क्वेश्चन हाउ मैनी मंथस हैव थर्टी डेज राइट देअ ने मीन्स कितने मंथस हैं जिसमें थर्टी डेज होते हैं सो so, सी ये थर्टी वन डेज के हैं ये ट्वेंटी एट डेज के हैं ये भी थर्टी वन डेज के हैं ऑगस्ट 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 इज ऑफ थर्टी डेज तो हमने पहले लिखा ऑगस्ट ओके नाउ मे इज फॉर थर्टी वन डेज जून जून इज is for 30 days okay now July July is for 31 days August is also for 31 days and uh, September September is for 30 days okay now October is for 31 days November November is for 30 days then December it is सो so, कितने मंथ्स हैं जो थर्टी डेज में आ रहे हैं वन टू थ्री फोर नंबर ऑफ मंथ्स आर फोर नंबर ऑफ मंथ्स आर फोर ओके नाउ हाउ मेनी मंथ्स हैव थर्टी वन डेज कितने मंथ्स हैं जिनके थर्टी वन डेज है ऑब्वियसली दिस वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन हाउ मैनी सेवन ओके So, write their names January, March, May, July, August, October, and December. Okay, see. जनवरी मार्च मे जुलाई अगस्त अक्टूबर एंड डिसम्बर ओके नाउ सी इन योर नेक्स्ट पेज विच मंथ इज मिसिंग फ्रॉम द टू बॉक्सेस मीन्स ये जो अभी हमने दो बॉक्सेस सॉल्व किए उसमें से कौन से मंथ कौन सा मंथ मिसिंग है वन एंड ओनली फेब्रुवरी फेब्रुवरी

Her or his birthday will come uh, in the month, in the year of. Okay? So, see. फेबररी हैज़ ए ट्वेंटी नाइन डेज इन एवरी फोर्थ ईयर इट इज़ कॉल्ड द लीप ईयर मीन्स लीप ईयर क्यों बोला जाता है स्टूडेंट्स मीन्स जिन हम ऐसा बोलते हैं न कि इसका चार साल में एक बार बड्डे आता है जस्ट लाइक दैट जिसका ट्वेंटी नाइन डेट फेबर ट्वेंटी नाइन को आता है क्योंकि फेबर ट्वेंटी नाइन चार साल में एक बार आता है सो so, चार साल में एक बार जो ट्वेंटी नाइन डेज आता है उस ईयर को बोला जाता है लीप ईयर क्योंकि वो में वन डे जो होता है वो एक्स्ट्रा होता है ओके सो राइट द मंथ दिस मंथ इज डैश लास्ट मंथ वॉज डैश अवर इंडिपेंडेंस डे फॉल्स इन डैश द फोर्थ मंथ ऑफ द ईयर इज डैश नेक्स्ट मंथ विल बी डैश माई बर्थडे फॉल्स इन डैश मीन इसमें स्टूडेंट्स ये लिखना है मंथ लिखना है दिस मंथ इज डैश अभी कौन सा मंथ चल रहा है रिसेंटली स्टूडेंट्स कौन सा मंथ चल रहा है अक्टूबर दिस मंथ इज अक्टूबर वेरी गुड लास्ट मंथ वॉज सेप्टेंबर ओके नेक्स्ट मंथ विल बी नेक्स्ट मंथ विल बी नवम्बर ओके अक्टूबर के बाद तो नवम्बर आएगा ना माई बर्थ डे फॉल्स इन मार्च इट्स माई बर्थ डे ओके सो स्टूडेंट्स आपका बर्थडे कब आता है वो आपको लिखना है आपका बर्थडे कौन से मंथ में आता है वो लिखना है ओके द फोर्थ मंथ ऑफ द ईयर इज एप्रिल हमारा फोर्थ मंथ कौन सा है एप्रैल अवर इंडिपेंडेंट डेज फॉल्स इन ऑगस्ट ऑगस्ट फिफ्टींथ ऑगस्ट को हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है इस वजह से हमारा ऑगस्ट आएगा ओके सो हियर Sara's holiday प्लान फॉर द month ऑफ जून is गिवन below. रीड द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन ओके सो ये जो टेबल है वो सारा का है ठीक है सारा अपना holiday का प्लान कर रही है कि इतने ये दिन मैं ये करूँगी वो दिन वो करूँगी ठीक है अब ये जो प्लान इसने बनाया है उसके बेसिस पे हमें ये वाला आंसर क्या करना है फिल करना है ओके okay? सो so, ये वाली जो एक्सरसाइज स्टूडेंट्स हम ये कल करेंगे ओके स्टूडेंट्स सो सी होमवर्क मंथ ऑफ द ईयर सी डब्ल्यू में लिखना है आपको ओके okay. सो so, ये जो मंथ ऑफ द ईयर है वो आपको सी डब्ल्यू में लिखना है यही है स्टूडेंट सिर्फ आपका होमवर्क ओके स्टूडेंट सो टेक केयर बाय बाय थैंक यू